पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो की टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हरेक जाति की अलग अलग सभा शक्ति है। सभी पंचायतों में दरी, जालिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलैट कहते हैं। पंचलैट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपए जो बच गए हैं उससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब जारी चीज को पुनः नहीं करना चाहिए। अंग्रेजवादों के राज में भी फूल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलेट का डिब्बा माथे पर लेकर उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच आते। देखते नहीं है पंचलेट है ब्राह्मण टोली के लोग ऐसा ही दाव करते हैं। अपनी घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलेट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चलते चल पंचलेट। छड़ीदार अग्नि महतो रह रहे पर लोगों को चेतावनी देने लगा। ओहो पंचलेट सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, साँझ को पूजा हो, जल्दी से नहा धोकर चोखा पीढ़ी लगा। टोले की कीर्तन मंडली ने अपने भगतीय पंचकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, यदि आज आपके घर में डेढ़ बेड हुई तो कल से एकदम बैक। औरतों की मंडली में गुजरी काकी गोसाई जी का भजन गुनगुनाने लगी। दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 रुपए 5 कौड़ी पर मैंने कहा, दुकानदार साहब यह मत समझिए कि हम एकदम ही दयाती है। बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। दुकानदार बोला, लगता है आप जाति के सरदार है। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, आपको पूरे 5 कौड़ी में दे देता हूँ। अलबत्ता चेहरे परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकानदार होगा देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्से के कैसे ले जाएंगे पंचलेट। दुकानदार ने डांटते हुए कहा, क्यों रे दीवान जी के आंखों में झुनके कर रहे, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान जी को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। खड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रस्ते में सन सन बोलता था ये पंचलाइट, लेकिन एक मौके पर लेकिन लग गया। रुद्र साहब अजय की दुकान से 3 बॉटल की रसीद दे लाया और सवाल पैदा हुआ पंचलेट चलाया। ये बात पहले भी किसी के दिमाग में नहीं है। पंचलेट खरीदने से पहले भी किसी ने नहीं सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजाई हुई है। कीर्तन या योग और ढोल करताल खोल कर बैठे है और पंचलेट पड़ा हुआ है। चारों ओर उदासी छाती, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने आज अपने घर में डिग्री भी नहीं चलाई। आज पंचलेट के सामने डिबरी कौन बांधता है। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का लुकड़ा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंस हंस के पागल हो रहे, कहते हैं कान पकड़ के पंचलेट के सामने 5 बार उठक बैठक करो, अपने आप चल जाएगा। बात बात में कुछ
दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, उदल साहब बनिया बड़ा बतंगड़ आदमी है, कहता है कि पंचलेट का बबू है होशियारी से देना। मुनरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर वापस मन में लौट जाती। वो कैसे बोले, क्योंकि वो जानती है कि गोधन पंचलेट पालना जानता है, पर गोधन बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी नहीं दिया। परवाही नहीं करते ये लोग। दस रुपए जुर्माना ना देने पर हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए। मुंत्री ने चलाती से अपनी सहेली करेली के काटकर बात डाल दी। गोधन पर वो तो बंद है, बोल न सका। गोधन जानता है पंचलेट बांधना। कौन गोधन? पंचों ने एक मत होकर गोधन खोल दिया जाए। गोधन को छड़ीदार, गोधन को लेके आओ। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने से मना कर रहे, कह रहा है कि क्या भरोसा है सरपंचों का, अगर जब कुछ हो गया तो दंड तो मुझे भरना पड़ेगा। जैसे भी करके गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जरा मैं देखूं कहती हूँ। मुनरी काकी उठ कर गोधन की झोपड़ी की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचतेल में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली के मुर्गे मोर्चर के बालों को संवारने लगे और गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे चलेगा? लो मजा, अब ये नया बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना मुझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा कड़ी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और एक मलसी कड़ी का तेल लेके आ गई। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली से धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। पंचलेट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और पंचलेट की रोशनी बढ़ती गई। सबके दिलों का मैल दूर हो गया। अंत में चारों ओर रोशनी छा गई। पंचलेट कीर्तन मंडलियों ने महावीर स्वामी की जय ध्वनि से कीर्तन शुरू किया। जय हो। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हुए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनेरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा, आंखें चार हुई, आंखों में बात हुई। माफ करना इसलिए मेरा क्या कसूर। सरदार ने बहुत प्यार से गोधन को पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ दूंगा। खूब गाँव से दीमा का आज मेरे घर खाना खाना। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा, मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तन समाप्त कर जय काली की। बोलो महावीर स्वामी की जय। एवरी लीफ ऑफ द ट्री वाज डैजलिंग इन द लाइट ऑफ पंचलेट। अरे सुनो तो, पंचलेट की रोशनी में पत्ता पत्ता फूल के सोने लगा।
Thank you.